हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉग चैनल। और आज हम जाने वाले हैं अपना एग्ज़ाम देने। काफ़ी दिनों से ब्लॉग शूट नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे थे तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो फाइनली आज हमारा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और छोटा सा ब्लॉग शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे, और आप हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहें। सेंटर है वो बागपत में पड़ा है, यूपी में, काफ़ी दूर है। और तो चलिए चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं और आप भी हमारे साथ। एग्ज़ाम ऐसा है और बहुत कुछ पढ़ा है पर अभी सब कुछ ब्लैंक हो चुका है, पता नहीं है क्या लिखना है, क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। बस भाई कुछ कहना चाहते तो आप भी बोल दो। यूपी में एग्ज़ाम कैसा होता है, वहाँ का पैटर्न कैसा होता है? देना ज़रूरी है इसलिए दे रहे हैं, और बाकी अब देखते हैं कैसा होगा एग्ज़ाम। और बाकी तब तक सफ़र का आनंद लेते हैं। और पहली बार इतनी दूर है, कम से कम 50 किलोमीटर दूर है हमारा एग्ज़ाम, और दो घंटे ड्राइव करके जाना है। आप देखते हैं, सुनने में आया कि खेतों के बीच में है, दिखाएंगे आपको खेतों के बीच में है कहाँ पर है। सो गाइज, यहाँ पर है ना बहुत सारी रेड लाइट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है इस रोड पे। इसको सहारनपुर रोड कहते हैं जो बड़ोद बागपत की ओर जाता है, और बहुत ज़्यादा रश है और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। पेट्रोल हमारी स्कूटी में थोड़ा कम है और रास्ता बहुत लंबा है, तो सोच रहे हैं पेट्रोल डलवा लें। और पेट्रोल की लाइन के लिए भी बहुत लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है और यहाँ पे बहुत रश है और गड्ढे बहुत सारे हैं यहाँ पे सड़कों पे, यूपी में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। फाइनली गाइज, हम कॉलेज के बाहर पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूर पे हमारा कॉलेज है श्री, जहाँ हमारा सेंटर पड़ा हुआ है, और ये तो थोड़ी सी सड़क है, उबड़ खाबड़ है, तो चलते हैं दिखाते हैं हमारा कॉलेज। तो गाइज, अब हम आ गए हैं बागपत रोड, बागपत में आ गए हैं, और बागपत में अब कॉलेज यहाँ से 1-10 किलोमीटर दूर है, और ये यहाँ पर थोड़ी सी रोड ठीक है, और आसपास हमारे साथ जगह देख सकते हैं गांव ही गांव है।
गाइस फाइनली हम कॉलेज में पहुंच गए और पीछे की साइड हमारा कॉलेज है और पीछे नहीं आगे की साइड हमारा कॉलेज है और पीछे की साइड खेत है। और काफ़ी दो घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हाल बिल्कुल खराब हो गई है, देखते हैं एग्जाम कैसे देंगे। काफ़ी सो गाइस अभी पेपर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है और पास ही में ये खेत है और ये आप देख सकते हैं आप पीछे मेरे ये ट्यूबवेल चल रहा है काफ़ी अच्छा मैं पानी बह रहा है और ये इधर यहाँ पे इस इसके थ्रू खेतों में जा रहा है और खेतों में पानी लग रहा है। हमारा कॉलेज है और यहाँ पे खेतों के बीच में हमारा कॉलेज है, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मतलब काफ़ी सालों के बाद खेत देखने को मिल रहा है कि ये अपना रोल नंबर चेक कर लिया है और रोल नंबर हमारा अभी मिला नहीं है, तो अंदर हम जो ऑफिस है वहाँ पे जाके पता करेंगे कि मेरा रोल नंबर कहाँ है तो वो बताएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। पीछे मेरा कॉलेज है, ये रहा, इसमें एग्ज़ाम है। सो गाइज मेरा रूम नंबर मेरे को मिल चुका है, मेरा रोल नंबर पता लग गया है मेरे, और मेरा एग्ज़ाम है पीछे कॉलेज है वहाँ पे चेकिंग चल रही है और एंट्री हो रही है, तो अब पेपर देने जाते हैं फिर उसके बाद आके मिलते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम कैसा होगा बाकी अंदर जाके। और कॉलेज काफ़ी आया है, बाहर की साइड खेत ही खेत हैं और फिलहाल हमारी यहाँ पर हालत तो ख़राब हो चुकी है, काले से हो गए हैं, पूरे धूप में ट्रैवल करके आए हैं दो घंटे का। गाइज हमारा पेपर है जो था वो ख़त्म हो गया बीएड का, और फर्स्ट पेपर था काफ़ी टफ था और यहाँ पे आने में और पूरी हालत ख़राब हो गई अब, और आप देख सकते हैं सारे बच्चे जा चुके हैं, मैं ही बचा हूँ और अब हम चलते हैं घर की ओर, काफ़ी थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बाकी घर रास्ते का व्यू बताते हैं कैसा। कॉलेज जो कि लक्ष्मी चंद पटवारी कॉलेज है, और जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था वो था श्री राम कॉलेज, और आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है लक्ष्मी चंद पटवारी कॉलेज बागपत रोड खेकड़ा, ठीक है। तो ये हमारा कॉलेज है, बीएड कॉलेज यही है हमारा, और सेंटर हमारा एग्ज़ाम का वहाँ पड़ा हुआ है, और फिलहाल अभी हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है तो हम घर की ओर जा रहे हैं, और ये मुझे याद नहीं आ रहा ये रास्ते में पड़ता है कॉलेज, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे ये भी दिखा दें आपको कॉलेज।